वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हो आप सब? कमेंट करके जरूर बताना। दो तीन दिन से मैं ब्लॉग या फिर कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, ऐसे ही घर का काम में थोड़ा बिजी रह गई थी। आज है श्री पंचमी, सरस्वती पूजा। तो मेरे सारे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को हैप्पी सरस्वती पूजा। आप लोग कैसे मनाएं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो यहाँ पे कहाँ होता है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि पिछले साल मैं सरस्वती पूजा में यहीं पर थी, लेकिन कहाँ होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, उसके बाद सब तो बंद हो गया था। तो आप सबको पता है, इस साल भी पता नहीं कहाँ, सरस्वती का मंदिर भी कहाँ है मुझे नहीं पता। ऐसे ही मैं मंदिर जाऊँगी, वहाँ पे ना दुर्गा माँ और विष्णु, लक्ष्मी विष्णु भगवान और शिव जी, शिव पार्वती जी का मंदिर है, वहीं पे जाके थोड़ा सा मैं पूजा करके आ जाऊँगी। और मैं पहनूँगी आज साड़ी, बहुत दिन बाद आज मैं साड़ी पहनूँगी। और ये मैं सिंपल सेक सिंपल मेकअप जो मेरा डेली वाला मेकअप है वो कर ली हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज जो साड़ी पहनने वाली हूँ, बोलते हैं कि येल्लो साड़ी पहनते हैं ना, तो येल्लो साड़ी है मेरे पास, लेकिन सामने मुझे एक ग्रीन साड़ी मिल गया, तो मैं सोची ये वाला पहन लूँ। बहुत दिन हो गया वो साड़ी भी मैं नहीं पहनी हूँ। ये वाला साड़ी, ये उसका ब्लाउज है और ये उसका साड़ी है, एक ग्रीन कलर का सिंपल सा साड़ी है। ये आज मैं पहनने वाली हूँ, तो साड़ी पहन के रेडी हो जाते हैं। फिर मैं सुबह खाना भी बना दी थी बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि मेरे ससुराल में ना पूजा होता है, मूर्ति पूजा होता है सरस्वती जी का, सरस्वती माता का, तो घर में तो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत साल हो गया हम सरस्वती पूजा में घर नहीं गए हैं, तो इस साल तो हम जाएंगे मार्च लास्ट, अप्रैल फर्स्ट वीक में हम पहुँचेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो मुझे सब्सक्राइब करना बेल बटन के साथ, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर जब मेरे चैनल पे बढ़ते हैं ना, इतना ज़्यादा अंदर से खुशी महसूस होता है कि क्या बताऊँ। और हाँ, शेयर भी कर देना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और किस टाइप का वीडियो आपके लिए लेके आऊँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ साड़ी वाड़ी पहन के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली हूँ, आपको कैसा लगा साड़ी? एकदम सिंपल साड़ी है, बताइएगा आपको कैसा लगा साड़ी। बहुत ही पुराना साड़ी है, कम से कम 10 साल पुराना होगा, 9-10 साल पुराना साड़ी है। लंच बनाऊंगी अभी, खाना खा ली हूँ, ब्रेकफास्ट कर ली हूँ, पूरी और चना आलू की सब्जी बनाई थी। बच्चे टीवी देख रहे हैं, बेटी अभी जाएगा उसके मैडम के घर थोड़ा सा पढ़ाई करने, क्योंकि आगे आ रहा है एनुअल एग्ज़ाम इसलिए। और मेरा बाल ना गीला है और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगा है, आज मैं साड़ी के चक्कर में स्वेटर भी नहीं पहनी हूँ। तो अभी उसको छोड़ने जाऊँगी और धूप भी निकल गया है, तो थोड़ा सा धूप में बैठ जाऊँगी तो ठंडा नहीं लगेगा। फिर भी अभी ना बहुत सर्दी कम हो गया है। जा
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बोल दो मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। फ्रेंड्स समझा रहे हैं सिद्धि को छोड़ने, चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ हमारा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर ली हूँ, पूरी और चना की सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले ली हूँ पहले, और साथ में अदरक क्रश करके डाल दी हूँ, और हरी मिर्च अदरक दोनों उसको 2-3 मिनट तक मिला दूँगी फ्राई हो जाने के बाद। टमाटर यहाँ पे आधा काट के डाल दी हूँ, टमाटर हल्का सॉफ्ट हो जाएगा ना तभी मैं यहाँ पे पाउडर मसाला डालूँगी, हल्दी लाल मिर्च और धनिया का पाउडर। तीनों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं दाल और चावल दोनों को भिगा के रख दी थी आधा घंटे के लिए, वो डाल दूँगी, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम, गाजर और एक बैंगन और एक बीटरूट, आधा एक एक नहीं आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ। उसको मैं फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे, फिर मैं उसमें नमक भी डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार, और साथ में मैं टमाटर का चटनी भी बना रही हूँ। खिचड़ी के साथ ना टमाटर का चटनी बहुत अच्छे से जाता है, तो उसको मैं फ्राई होने के लिए एक साइड पर रख दी हूँ, और इस तरफ मैं टमाटर का चटनी बनाऊँगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड लॉट्स ऑफ लव।